नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बीएल की ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। बीएल की ऑपरेशन के बारे में, बीएल की ऑपरेशन क्या है? बीएल की को जब हम लगाकर जितने मोड में प्रचालित करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये देखिए, इस टाइप का आपका BL की लगाने का स्लॉट होता है। बीच में ऑफ होता है, राइट में डी और लेफ्ट में सी। ये पैनल ए पे लगा हुआ होता है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, BL की को तभी ऑपरेट किया जाएगा जब हमारी गाड़ी खड़ी हो। अगर गाड़ी हमारी चल रही है, डी पे चलती है, ड्राइविंग मोड पे, अभी उसके बारे में बात करते हैं। अगर चलती गाड़ी में हमने BL की को डी से ऑफ कर दिया तो बीपी प्रेशर भी हमारा ड्रॉप हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि बीएल की को तभी ऑपरेट करेंगे जब हमारी गाड़ी खड़ी हो। अब बीएल की के जो मोड हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ड्राइविंग मोड, पहला है ड्राइविंग मोड। अब ड्राइविंग मोड में क्या होगा? बीएल की हमने ऑफ में के स्लॉट, जब ऑफ में रहेगा तभी स्लॉट में जाएगा। ऑफ से में डाल के और हम इसको डी पे घुमा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही बीएल की को ऑफ से घुमा के डी पे करेंगे, कुछ हमको संकेत मिलेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सी ऑन हो गया। क्या होगा कि हमारा पैनल ए पर, पैनल ए पर जो यूबीए मीटर है, यूबीए मीटर वो शो करने लगेगा, बैटरी वोल्टेज शो करेगा उसमें। इसमें बैटरी वोल्टेज शो करने लगेगा। दूसरा है कि पैनल सी पर जो हमारा स्क्रीन होता है और स्पीडोमीटर, इन दोनों की लाइट जल जाएगी। तीसरा, LSDJ जल जाएगा, ठीक है। LSDJ कहाँ लगा है? ये भी पैनल ए पर लगा है। और चौथा, अगर MCP यानी बेबी कंप्रेसर का प्रेशर 6 kg/cm² से कम है, 6 kg/cm² से कम है, तो ये क्या होगा? ये MCPA अपने आप चलने लगेगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक स्टार्ट रहेगा? जब तक 6 kg का प्रेशर नहीं बन जाता है। इसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि अगर बेबी कंप्रेसर ना चल रहा हो तो उसके ट्रबल शूटिंग में ये रहता है कि ये जो प्रेशर कम रहने पे ये स्टार्ट करता है, अगर ये प्रेशर स्विच अटक गया तो भी बेबी कंप्रेसर नहीं चलता है। उसके बारे में आगे ट्रबल शूटिंग में चर्चा होगी। तो जब ये चारों संकेत आपको मिल गए, ये चारों संकेत आपको बता रहा है कि सी आपका ऑन हो गया है, ठीक है। और ड्राइविंग मोड में फिर गाड़ी चलाई जाएगी। इसके बाद जब सी ऑन हो जाएगा तो क्रमशः लोको इनर्जाइज कर लिया जाएगा और गाड़ी चलाई जाएगी। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है सेल्फ होल्ड मोड। और सेल्फ होल्ड मोड क्या होता है? इसमें हम क्या करेंगे? पहले हमने VCB ओपन किया, ठीक है, क्योंकि गाड़ी हमारी अभी इनर्जाइज होगी, उसके बाद उनको सेल्फ होल्ड में लाना है। तो VCB ओपन किया और पेंटो लोअर किया, पेंटो लोअर करेंगे VCB ओपन करके। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? डी से ऑफ पे ले जाएंगे। जो भी हमारा बीएल की डी पे था ड्राइविंग मोड में, उसको हम क्या करेंगे? डी से ऑफ पे ले जाएंगे। जब इसको हम डी से ऑफ पे ले जाएंगे तब हमारा जो सी है ये अगले 10 मिनट तक, सी अगले 10 मिनट तक ऑन रहेगा। और 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अपने आप सी ऑफ हो जाएगा, अपने आप सी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 मिनट तक जो वेट होता है, इसी वेटिंग में हमको क्या कर लेना है? अपना कैब चेंज कर लेना है।
यानी सेल्फ होल्ड मोड किस किस काम के लिए यूज़ हो रहा है? कैब चेंज करने के लिए। जब हमको कैब चेंज करना होगा तो हम सेल्फ होल्ड मोड में जाएंगे, यानी VCB ओपन करेंगे, पेंटोल ओवर करेंगे और BLK को D से ऑफ पे ले जाएंगे। तीसरा है सी ऑफ मोड, यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें अगर ऑफ़ करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले ये समझिए कि ऑफ हम करते क्यों हैं। तो सी ऑफ हम करेंगे या तो लोगों को हमको डेड करना हो, या कोई ट्रबल शूटिंग अटेंड करनी हो, या कोई सब सिस्टम जो आइसोलेट हो गया उसको वापस सर्विस में लाना हो, या कुछ MCB को ऑपरेट करने से पहले हमको सी ऑफ करना पड़ता है। तो हम सी ऑफ उस समय करते हैं इन चारों केस में। अब सी ऑफ कब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा गाड़ी जो हमारी खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाने दें। दूसरा VCB ओपन एंड पेंटो लोअर। तीसरा क्या करेंगे, SA9 अप्लाई, ठीक है, एंड A9 इमरजेंसी। इसके बाद हम BLK को D से ऑफ पे करेंगे और 2 सेकंड इंतज़ार कर देंगे ताकि पार्किंग ब्रेक लग जाए। फिर ऑफ से हम कहाँ ले जाएंगे, सी की साइड ले जाएंगे, ऑफ से सी पे ले जाएंगे और सी के बाद फिर हमको इसको ऑफ पे करना पड़ेगा, यानी डी से ऑफ, ऑफ से सी और सी से ऑफ। उसके बाद हम 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे और वेट करने के बाद आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ हो जाएगा आपको कैसे पता चलेगा, जो ऑन होने के संकेत थे वो सब समाप्त हो जाएंगे, यानी आपका UBI बैटरी वोल्टेज नहीं बताएगा, 0 बताएगा, स्क्रीन और स्पीडोमीटर ऑफ हो जाएगा और LSDJ बुझ जाएगा। ये बता कंफर्म करा देगा कि हमारा सी ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब अगर BLK को हमने D से ऑफ किया था, जैसा कि सेल्फ होल्ड में, होल्ड मोड में हमने बताया था, और 10 मिनट तक कुछ नहीं किया तो भी सी अपने आप ऑफ हो जाता है। और हमने अगर मान लिया ड्राइविंग मोड में हम ले गए थे, पेंटो 10 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं रेज किया तो भी सी हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट है कूलिंग मोड। कूलिंग मोड क्या होता है, कूलिंग मोड में ये होता है कि जब हमारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हमारे इस पैनले पे LSC का लैंप प्रकाशित होगा और फॉल्ट F0101P2 ये फॉल्ट आएगा कि मैसेज में लिखा रहेगा ओवर टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर अधिक हो गया है। अब हमको उस समय लोगों को कूल करना पड़ेगा, कूलिंग यानी करनी पड़ेगी। तो लोगों कूलिंग करने में समय लगता है, उसका एक अलग से प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें ये आप जानिए, जब ये LSC की लैंप जल जाएगी, मैसेज आ जाएगा और TB0 हो जाएगा, अब आप गाड़ी तो चला नहीं पाएंगे, अब आपको यहाँ कूलिंग करना है। उसके लिए पहले सी ऑफ करिए, यानी डी से ऑफ, 2 सेकंड वेट, फिर सी, उसके बाद फिर ऑफ। इतना तो हम करते ही करते हैं कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करने के लिए। उसके बाद हम इसको वापस सी में ले जाएंगे। जब हम इसको वापस सी में ले जाएंगे तब क्या होगा, उस समय आपका UBA आपका शो करेगा और LSDJ आपका ग्लो करेगा, लेकिन आपकी स्क्रीन वगैरह सब बंद रहेगी। अब आप लोको इनर्जाइज करिए, यानी पेंटो उठाइए, VCB क्लोज करिए, आपका LSDJ ये बुझ जाएगा, इसका मतलब आपका DJ क्लोज हो चुका है और लोको आपका कूलिंग मोड में इनर्जाइज हो चुका है। जब लोको कूलिंग मोड में इनर्जाइज होता है, उस समय हमारी सिंगल फेज से जो MRB चल रही है मशीन रूम ब्लोअर,
वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और आपके SB1 SB2 के नीचे जो आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड लगे हैं वो ठंडा होना शुरू हो जाएंगे। और जब टेम्परेचर 70 से नीचे हो जाएगा तो LSC का लैंप बुझ जाएगा, इसका मतलब आपका कूलिंग कंप्लीट हो गया है। कूलिंग मोड के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसका डिटेल, क्योंकि अब जो नए लोगों आ रहे हैं उसमें MRB अब 3 फेज से चलने लगी है, उसमें कूलिंग नहीं किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइन पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।